प्रणाम जी सुंदर साह जी, स्टार्टिंग से परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व में परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन श्री जोहरदास महाराज जी के पटदर्शन से पेज वाइज पेज पूरा हो चुका है। एक प्लेलिस्ट बनी है श्री जोहरदास महाराज जी का पटदर्शन के नाम से। अब पुनः ये शोभा शुरू हो रही है, तो अब किसी धाम सुषमा को बेस बना के चलते हैं। तो अभी धाम सुषमा के पेज पेज नंबर वन पे दो पिक्चर्स हैं, एक पिक्चर्स मैंने यहाँ डाली है। इसमें रंगमहल शोभायमान है, रंगमहल का निशान दिखा रखा है। आप शेरा जी श्री श्यामा जी की मेर से जबरू हद बेहद के ब्रह्मांड को पार करके अर्थात शर अक्षर को पार करके दिव्य परम धाम में पहुंचती है। दिव्य परम धाम में पहुंचते ही रूह को एहसास होते हैं दिव्यता का, नरमाई का, नूर का, चेतनता का, अपार खुशबू का। और रूह यहां अद्वैत भूमि का दिव्य परम धाम के ठीक मध्य भाग में आती है, जहां भूम भर ऊंचे चबूतरे पर रंगमहल शोभायमान है। भूमबर ऊंचे चबूतरे की बात करते हैं तो एक मंजिल ऊंचा चबूतरा, ठोस चबूतरा है। इन पिक्चर में रेड कलर में रंगमहल का निशान दिखा रखा है। रंगमहल के सामने लाल हरे दो वृक्ष हैं जो चांदनी चौक में आए हैं। ठीक मध्य में रोंस की शोभा है, रोंस यानी आने जाने का रास्ता। वृक्षों के दोनों ओर नूरमयी रेती का निशान है और भूम पर ऊंचे चबूतरे पर नौ भूम दसवीं आकाशी की रंगमहल की शोभा शोभायमान है। दसवीं चांदनी में जो दहलाने खुले महल आए हैं उनकी शोभा है, जिसका वर्णन आगे विस्तार से करेंगे। कुर्जों की शोभा है, वो भी आने वाले नक्शों में हम करेंगे। तो कुल मिला के इन नक्शे से हमें ये समझना है कि हमें परम धाम की शोभा को समझना है तो हमें सबसे पहले रंग महल की शोभा को समझना होगा, हमारे निज घर की शोभा को समझना होगा। रंग महल की प्रथम भूमिका में मूल मिलावे में आप शिवराज जी के चरणों में हमारे मूल तन परातम बैठी है आप शिवराज जी के चरणों को पकड़कर। तो हमें सबसे पहले मूल मिलावे की शोभा देखनी है, तो इसलिए परम धाम की चर्चनी जब सीखना चालू करते हैं तो चांदनी चौक से। प्रणाम जी।